अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैज़ी व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा यार, आज की जो मेरी वीडियो वो ट्रैवल व्लॉग नहीं है, आज जस्ट नॉर्मली अपनी रूटीन में एक ड्रिंक शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग मोटे हो ना तो वो वीडियो लाजमी देखना, वेट कम करना है तो वीडियो लाजमी देखना। वैसे हेल्थ के लिए भी बड़ी अच्छी है, मैं मोटा तो नहीं हूँ लेकिन हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी है। हम लोग पानी की जगह ज़्यादा वो यूज़ करते हैं, और वैसे भी जो पर्सनली मुझे लोग जानते हैं वो लोग सबको पता है कि मेरी जो मोम है वो मेरी मदर कम और बहन ज़्यादा लगती है। तो लोग पूछते हैं यार आप ऐसा क्या यूज़ करते हो, तो मैं ट्राई करूँगा स्लोली स्लोली आप लोगों से भी शेयर करूँ ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको फिट और स्लिम रखती हैं। तो सबसे पहले तो आज मैं एक ड्रिंक शेयर करने वाला हूँ, आप सब लोग वो देखें ड्रिंक कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। मोम बनाने लगे थे तो मैंने उन लोगों को बोला कि वेट करें, मैं वीडियो बना लेता हूँ, अपने सब फ्रेंड्स साथ भी शेयर करूँगा, तो आप लोग भी देखो, आप लोग भी यार वो बना के पिया करो, अपनी बॉटल में फिल कर लिया करो, पूरा दिन पीते रहा करो। चलो चलते हैं, देखते हैं ड्रिंक कैसे बनती है। ओके गाइस, सो मोम बना रहे थे, मोम मदर से पूछते हैं कि क्या क्या बीज में डालते हैं जो कि आपके लिए भी ईजी होगा, आप भी बना लो ईजिली घर में, और ये बड़ा अच्छा हेल्थ के लिए। मोम इसके अंदर आपने क्या चीज़ें डाल रहे हैं? ये स्लिमिंग जूस है जो स्लिम और फेस की फ्रेशनेस के लिए यूज़ होता है। इसमें मैं जो जो चीज़ें ऐड करती हूँ आपको बताती जाती हूँ। सो सबसे पहले हम हाफ लेंगे खीरा, तो स्मॉल स्मॉल पीसेज में काट लेंगे। दो गाजर लेंगे, इसको भी स्मॉल स्मॉल पीसेज में काट लेंगे। थोड़ा सा हम लेंगे धनिया ग्राइंडर, थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे मिंट पुदीना, इसमें डालेंगे हम लोग, ऐड करेंगे वाटर। वाटर कितना डालेंगे? वाटर आप जितना पी सकते हो डेली का, आप उतना बना लें। वाटर तो वैसे भी, पानी तो वैसे भी अच्छा होता है इसलिए। अगर आप दिन में एक बोतल पीना चाहते हैं, दो बोतल पीना चाहते हैं, जितना पीना चाहते हैं उसको आप बना लें। इसको हम ग्राइंडर में डाल के इसको करते हैं ग्राइंड। इसको अब हम छानने के लिए इसमें डालेंगे, आप जैसे मर्जी उसको छान सकते हैं, छोटी छानी से भी छान सकते हैं, बड़े वाली से भी छान सकते हैं। अब हमने जो ऑरेंज छीले हुए हैं उसको काट लेंगे, आप टू ले लें, थ्री ले लें, अपने मुताबिक ले सकते हैं जितना आप जूस पीना चाहते हैं। टमाटर ले लें, ये एप्पल विद स्किन भी डाल सकते हैं, विद स्किन डाल सकते हैं बिकॉज हमने इसको छान लेना है। ये जूस आपको स्लिम भी करता है और फेस भी आपका बहुत ज़्यादा फ्रेश। जो एप्पल पड़े हुए हैं वो इसमें ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी हम इसमें पालक का ऐड करेंगे। अगर किसी का बीपी हर वक्त हाई रहता है तो इसमें दो पीस लहसुन के ऐड कर ले, उसका बीपी बिल्कुल शॉर्ट नहीं करेगा। लहसुन यूज़ करो तो बीपी ठीक रहता है, बीपी ठीक रहता है। दो हम इसमें लेमन डाल लेंगे,
एक पीस इसमें अदरक का डालेंगे। इसको भी छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। अदरक को भी इसमें आपने ना सॉल्ट ऐड करना है ना ही शुगर ऐड करनी, दोनों में से। अगर आपके पास बीटरूट है, चुकंदर, तो वो भी आप इसमें एक छोटा सा पीस उसका भी डाल लेते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है फेस फ्रेशनेस के लिए और ब्लड बनता है उससे। ये आपकी किडनी को वॉश करता है, ये आपके लीवर को वॉश करता है, ये आपके स्टोमक को वॉश करता है। ये जूस डेली आप यूज करें इसके साथ। अगर आप डेली आपका मूड नहीं है तो आपको मैं एक और जूस बताऊंगी, सिंपल वाटर में दो तीन चीज़ें ऐड करनी है, वो पीएं आप वीक में 2 टाइम, वो भी आपको स्लिम रखता है। तो गाइस फिर हम ऐसे बॉटल्स में, सब के अपनी अपनी बॉटल्स हैं, सब अपनी बॉटल्स में ऐसे फिल कर लेते हैं। और ये एक बॉटल डेली जरूर। कितना वेट इससे कम हो जाता है? इससे आप अगर बेकरी की चीज़ें और ऑयली चीज़ें अवॉइड करते हैं तो विदिन 1 मंथ 7 से 8 kg वेट लूज हो जाता है। इस भी बहुत अच्छा है, ये नहीं कि इसका टेस्ट बुरा, टेस्ट भी अच्छा है। इसमें सॉल्ट ऐड नहीं करना, शुगर ऐड नहीं करनी, विदाउट शुगर विदाउट सॉल्ट इसको अपने ऐसे ही यूज करना। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ओके गाइस, तो आपने देख लिया होगी ड्रिंक कैसे बनती है। अच्छा यार, एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि इसको ठंडा करके मत पिए, इसको फ्रिज में मत रखें। आजकल तो वैसे भी पाकिस्तान में जो वेदर है वो अच्छा है, आप इसको वैसे ही बाहर रख के ट्राई करें, 5-6 घंटों में सब ख़त्म कर लें। और जब गर्मियाँ आ जाएँ, अगर आपको डर है कि यार गर्म तो ख़राब हो जाएगा, तो फिर उसको अगर आपके रूम में एयरकॉन है तो रूम में रख लें, ये ख़राब नहीं होती। तो वरना अगर एयरकॉन नहीं है तो उसको फिर फ्रिज के सब से नीचे वाले पोर्शन में रख लें। और अवॉइड करें बेकरियों वाली चीज़ें खाने से। अगर आपने अपना वेट कम करना है तो बेकरी वाली चीज़ें मत खाएँ, बाहर से ये ऑयली चीज़ें छोड़ दें। और ठंडा पानी मत पिएं, वार्म वाटर पिएं। हम सब जो फैमिली है, हम लोग, मैं वार्म तो नहीं पीता लेकिन मैं ठंडा पानी भी नहीं पीता, नॉर्मल जो पानी है वही पीता हूँ। तो आप भी सब ट्राई करें नॉर्मल पानी पिया करें। अगर आप ठंडा पानी पीते हैं, ये भी आपका एक बड़ी रीज़न है, आपका वेट कम नहीं होगा इससे। तो चाइनीज़ लोग आप देख लें, वो कभी भी ठंडा पानी नहीं पियेंगे, चाइनीज़ लोग हमेशा वार्म वाटर पीते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।